अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की उस बेटी के साथ जिन्होंने कराटे में माशाल्लाह से 50 से ज़ायद मेडल जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देती हैं, ख़ुद भी इस चीज़ की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। और आज की वीडियो में वो व्यूअर्स को और लड़कियों को ये बताएंगी कि अगर अल्लाह ना करे आप पर कोई ऐसा हमला या आपको कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ती है तो आप सेल्फ डिफेंस किस तरह से कर सकते हैं। तो आए चलते हैं, आमना से बात करते हैं। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, आमना कैसी हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आमना, मुझे बताएं कि कब से शुरू हुई थी, बचपन से शुरू हो गई थी जो इतने ज़्यादा मेडल्स? बेसिकली मैंने ये कॉलेज लाइफ में स्टार्ट किया था। एज सच मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये कराटे करूँगी, लेकिन फिर भी मैंने किए। लेकिन आमना, जो लड़की इस तरह की ट्रेनिंग होती है कराटे की स्पेशली, वो काफ़ी टफ होती है। और फिर इस तरह की ट्रेनिंग में हमने देखा है कि लड़कों के साथ जो है वो लड़कियों का मुकाबला करवाया जाता है उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको सिखाने के लिए। और लड़के को जब हम सामने देखते हैं तो लड़कियाँ थोड़ा सा घबराती हैं कि यार ये तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाय बर्थ ही मर्द जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं? और लड़कों की मतलब लगती तो है, मार तो पड़ती होगी, उनको भी पड़ती होगी, आपको भी पड़ती होगी, तो क्या मसले होते हैं? ऐसे सच कोई मसले नहीं होते। आपके अंदर का डर होता है कि आपको शायद के लग जाएगी, लेकिन ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। आपको सिर्फ एक टेक्निक सिखाई जाती है, आपको उस टेक्निक पर फॉलो करके आपको करना पड़ता है। आपको इस तरह की ट्रेनिंग कराटे में जो है वो कितनी दी जाती है, जो सेल्फ डिफेंस की, मतलब जो हमारे मुल्क में केसेस होते हैं हरेसमेंट और इन सब चीज़ों में, तो आप लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है? हम लोगों को सेल्फ डिफेंस के मतलब बताया जाता है, टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि लाइक अगर आपका कोई हाथ पकड़ ले आपने क्या करना है, आपका कॉलर पकड़ ले आपने क्या करना है, आपको पीछे से कोई पकड़ ले आपने क्या करना है, इन सब की हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके लिए आपका मेंटली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक दो चीज़ें जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई गई हूँ, आप हमारी व्यूअर्स जो लड़कियाँ हैं स्पेशली उनको बताएं कि अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ हरेसमेंट या कुछ भी ऐसा सीन होता है तो उस टाइम पर उनको क्या करना चाहिए? मैं आपको अभी एक इजीली बता दूंगी जो आप घर पे बैठ के खुद भी आपको पता लग जाएगा हर एक को। लाइक अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है, आप मेरे पे अगर करें एक दफ़ा, करें आप ज़रा मेरे पे ट्राई, मैं ये पकड़ के आपका हाथ, आपका ये हाथ खुला है, ये फिंगर को मैं नीचे करूँगी। इससे ये है कि आप में ना वो रहती नहीं, आप इसको ज़रा टाइट करें, हाथ को टाइट करें ऐसे, आप कोशिश करें मुझे मारने की, आप मार नहीं सकेंगी। तो ये टेक्निक है एक। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि अगर मेरा कोई कॉलर पकड़ता है ऐसे, आप मेरा कॉलर पकड़िएगा, तो मैं आपका हाथ यहाँ से पकड़ के यहाँ पे भी कर सकती हूँ और इसको मैं ऐसे लॉक करके ऐसे भी पंच कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये तो माशाल्लाह से आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपने सब चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन मेरे जैसी लड़की जो इतनी वीक हो उसे तो कभी भी यहाँ पर लगे ही ना, वो क्या करे? नहीं नहीं, ये टेक्निक्स ऐसी हैं कि आपको सिर्फ माइंड में आपके रहे ना कि ये वाला पिन पॉइंट है, मैंने यहाँ से करना है। लाइक अगर कोई आपको ऐसे पंच करता है, आप मेरे पे करिएगा, हाँ जी, तो मैं आपकी ये मैं आपकी आँख में मार दूँगी, आप मुझे मार सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ जी, ये सिर्फ एक मेंटली होती है कि कुछ भी नहीं होता, आप सब कर सकते हैं। जब आपके टीचर ने आपको निकाला था क्लास और कहा था कि आप ये गेम करोगी, तब आपने खुद कभी बचपन से इंसान ने सोचा होता ना कि बैडमिंटन खेलती हैं लड़कियाँ या इंडोर गेम ज़्यादा खेलती हैं, तो आपने कभी सोचा था? बचपन में भाइयों से कुश्ती वुश्ती करती थी तो आपको था कि आप कर लोगी कि नहीं? नहीं, मुझे सच कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, सिर्फ एक रेसलिंग देखने का बहुत शौक़ था, वो हम बहुत देखते हैं, अभी तक देखते हैं रेसलिंग वगैरह, तो ये नहीं सोचा था कि मैं कराटे करूँगी। तो मेरे साथ आमना मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। आमना अपना एक चैनल भी बना रही हैं जहाँ पे वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दिया करेंगी। अगर कोई भी लड़की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना चाहती है तो वो आमना के चैनल पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं और उनके चैनल पे जो है वीडियोस देख के ट्रेनिंग ले सकती हैं। आमना राजपूत इनका चैनल है, उस पर ज़रूर जाके हर लड़की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।